रीजन्स एक्सेप्ट करेगा, न घर पे पैसा दिया न घर पे बात किए हैं, अभी जाएंगे तो क्या बोलेगा, छोड़ दी तब आयो हम आके याद आया है तो, यही ना कोई बोलेगा, इसके अलावा क्या बोल सकता है। खैर माँ है पैदा किए तो छोड़ेगी नहीं ना, इसके आगे बाप कुछ बताए किसी को छोड़ता थोड़े कुछ है, तब क्या कीजिएगा, मतलब बाहर जाएगा तो कमाइएगा, घर पे पैसा भेजिएगा। बाहर जाने के बाद देखेंगे, काम मिलेगा तो आदमी काम करेगा, ढूंढेंगे काम, ऐसे थोड़ा मिल जाएगा काम। हाँ देखी देख रही होगी वीडियो तो संभल जाए अभी से भी, हमें कोई आपत्ति नहीं है इसके, हम इसको शुरू से भी रखे थे, सब जान के भी रखे थे, आज की डेट में बोल रहे हैं मीडिया के सामने भी बोल रहे हैं कि हम इसको रखेंगे, लेकिन अब सुधार पता जाएगी, उसके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो सुधार समझ। जाएगी तब रखिएगा। हाँ, हाँ तानिया गाज देखिए, टैटू में आपको बता दो, एक तानिया गाज से टैटू बनवाए हैं भैया उनके नाम के। अच्छा आपको फेसबुक से प्यार हुआ है, क्या नाम पड़ेगा आपको? राहुल कुमार वर्मा। देखिए सानिया किनर की रिपोर्ट, पूरा बात जानिए, पूरा सच्चाई सुनिए। राहुल कुमार वर्मा जो फुलवारिया गांव फुलवारिया थाना जिला गोपालगंज के रहने वाले हैं, इनको एक किन्नर से हो जाता है प्यार, फिर 4 साल से बात नहीं किए होगा कस के बोलिए मुंह से बोलने लगता है। देखिए मैं आपको बता दूं, सानिया किन्नर के पास आए हैं राहुल कुमार वर्मा जी, आप देख रहे हैं किस तरह से आंखों से आंसू गिर रहा है कि 3-4 साल से मम्मी पापा से बात नहीं करने देती है तानिया किन्नर, आज हम घर जा रहे हैं तो घर के लोग क्या बोले कि नहीं रखेंगे। जब अच्छा बोलते अपना खर्चा कौन चलाता है? खर्चा क्या चलाती है, वही खाना पीना खिलाती है और क्या करती है, और ज्यादा गुस्सा करती है तो महीना में 2 महीना पर कभी एक सेट कपड़ा खरीद देती है और कुछ नहीं बस। तो फिर आपका पॉकेट खर्चा कैसे चलता होगा, कोई खैनी गुटखा पान सिगरेट सब नहीं खाते हैं, कुछ नहीं, कोई नशा नहीं करते कुछ नहीं। अच्छा भाई वो कभी कभी हो गया तो यार दोस्त मिल गया तो कभी कभी हो गया, भाई देवे कहीं आएगी मैसेंजर चलाएगी व्हाट्सएप चलाएगी चैटिंग करेगी, पता ना किससे क्या क्या चैटिंग करती थी, हमको कुछ पता ही नहीं चलता था, हम वहीं पे सोए रहेंगे, ना हमसे बोलती थी ना बात करती थी, ऐसे दूर चल जाते थे तो खाली। कितने साल से रिलेशनशिप में थे उसके साथ तानिया किन्नर के साथ? 3-4 साल से है। 3-4 साल। आपका घर कहाँ पड़ेगा? हमारा घर बथुआ बाजार भगवानपुर पड़ेगा, फ्लोरिया था आना पाया। चलिए बात करते हैं, पहले तो मेरा चैनल आपका स्वागत है, सभी चैनल देखने वाले भाइयों को मेरा नमस्कार। कस के तो बोलिए, सभी चैनल देखने वाले भाइयों को मेरा नमस्कार। क्या परेशानी है आपकी रिपोर्टर के सहारा लेगा? देखिए परेशानी जीवन में का एक सहारा को उतार चढ़ाव लगा रहता है परेशानी, फिर भी हम देखिए हमारा जो कहानी है वो एक दर्द भरी और दुख भरी कहानी है। इसमें क्या आप किसी से प्यार किए थे क्या? हम प्यार किए हैं किसी से, ट्रांसजेंडर से किए हैं किसी से, क्या ट्रांसजेंडर मतलब कि किन्नर से किए हैं? हाँ किन्नर से किए हैं। क्या नाम है उनका, उनका बायोडाटा बताइए तो। तानिया राज। कहाँ के रहने वाली हो? वही मीरगंज की रहने वाली है। मीरगंज की रहने वाली है। अच्छा क्या ऐसा हो गया है आप दोनों में कि आप मीडिया का सहारा ले गए? देखिए हुआ एक तरह से कुछ नहीं है, देखिए एक तरफ से देखिए तो बहुत कुछ हो गया है, क्योंकि मान के चलिए कि अभी 3-4 साल से हमको कहीं कमाने नहीं जाने दे रही है, न घर पे बात करने दे रही है, न यार दोस्त से बात करने दे रही है, सीधा बोले किसी से लगाव नहीं रखना है तुमको, मेरे साथ रहो तो किसी से लगाव मत रखो, आखिर क्या रीजन है? रीजन यही हो गया कि हम एक दिन घर बात कर रहे थे, तब तक ये देखी पूछी कहाँ बात कर, हम बोले घर बात कर रहे हैं, तो उस दिन से लफड़ा चलने लगा, तो फिर हम बोले कि चल ठीक है नहीं बात कर, तो फिर हम नहीं बात किए, तो फिर वो बोली कि जाओ कमाने, तुम चले गए कमाने, तो फिर गए कमाने, तो 1 महीना बाद 20 दिन बाद ये फ़ोन की कि आ जाओ, हम बोले चल ठीक है आ रहे हैं, सैलरी मिल जाएगा तो आ जाएंगे, तो फिर हम आए घर पे इसके पास, तो आए तो फिर अपना ये सब फिर अपना पुराना वाला धंधा अपनाने लगी हम। पुराने वाला धंधा क्या? जैसे में कि हम वहीं पे बैठे रहेंगे ठीक है, आइए अपना फेसबुक चलाएगी इंस्टाग्राम चलाएगी मैसेंजर चलाएगी व्हाट्सएप चलाएगी चैटिंग करेगी, पता ना किससे क्या क्या चैटिंग करती थी, हमको कुछ पता ही नहीं चलता था, हम वहीं पे सोए रहेंगे, ना हमसे बोलती थी ना बात करती थी, ऐसे दूर चल जाते थे तो खाली। कितने साल से रिलेशनशिप में थे उसके साथ तानिया किन्नर के साथ? 3-4 साल से है। 3-4 साल। आपका घर कहाँ पड़ेगा? हमारा घर बथुआ बाजार भगवानपुर पड़ेगा, फ्लोरिया थाना जिला गोपालगंज बिहार। अच्छा
आप उस किन्नर से जब आप प्रेम किए हो, शादी भी किए हो? हाँ शादी भी किए है ना। शादी का फोटो वीडियो है? हाँ वीडियो फोटो है मेरे पास। फोटो है? हाँ। अच्छा एक बात और बताइए, जब वो मतलब आपको जब घर से फैमिली से किसी से बात नहीं करने देती है? नहीं नहीं, किसी से, पापा किसी से नहीं? किसी से नहीं, ऐसे बोलती है सबसे कि हम बोलते हैं बात करो, जब बात करते हैं तो सीधा मना कर देती है। नहीं मतलब पूरा पब्लिक सिटी में कि नहीं समाज के लोगों से बोलती है कि हम बात करने देते हैं, हर जो भी इंसान बोलता है तो बोलती है हम तो छूट देते हैं कि घर पे बात करो, किसी से बात करो, हमें नहीं मतलब है। आज जब फोन लगाते हैं तो सीधा बोलती है नहीं बात करना। क्या आपको कब्जे में रखिएगा? हाँ बिल्कुल। क्या आप उससे छुटकारा चाहते हैं? नहीं छुटकारा, देखिए छुटकारा वाली बात नहीं है इसमें। हाँ भाई प्रेम की है तो छुटकारा वाली बात कहाँ से इसमें करेंगे। अच्छा, आप उनसे प्रेम करते हैं? आज भी उतना प्रेम करती थे पहले करते हैं? पहले भी जितना करते थे। बताइए सब कुछ जानने के बाद भी एक लड़का उसके साथ में है तो उसको सोचना चाहिए ना कि ये उसका किसी अलग लड़का से संबंध भी है क्या? संबंध था, अभी प्रेजेंट में पता ना है कि नहीं है ये मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन संबंध उसका था। ये देखिए आज से लगभग 5 महीना पहले का फोटो, ये पूरा हाथ उठ काटी थी। अच्छा उधर मैंने देखा। अच्छा ठीक है, एक और बात देखिए, तो हमारा कहने का मतलब है संबंध किसी और लड़के के साथ था, तो मैंने आप कहना यही ना चाहते हैं कि किन्नर, सभी लोग कहता है कि किन्नर लड़कों को धोखा, लड़का किन्नर को धोखा देती है, लेकिन जहाँ तक मैं बता दूँ सानिया किन्नर की रिपोर्ट साफ सुथरा, जहाँ तक देखा जाए कि बहुत सारे लोग कमेंट आते हैं क्या कि किन्नर को लड़का धोखा देता है छोड़ देता है, जहाँ तक ले भैया जी अभी बोल रहे हैं कि मैं अपना घर परिवार छोड़कर स्थानीय किन्नर को साथ मैं 4 साल से रिलेशनशिप में हूँ और इनसे शादी किया हूँ और मैं इनसे प्यार करता हूँ, ये लड़का हम ए किन्नर हमको छोड़ के किसी और लड़के के साथ गलत संबंध बना रही है और उससे बातें कर रही है, फेसबुक व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रही है, जहाँ तक देखा जाए कि मुझे अपने घर के फैमिली से, मेरे भाई से, मेरे रिश्तेदार से, मेरे दोस्तों से बातें नहीं करने देती है तानिया किन्नर। आज के डेट में मैं आपको बता दूँ वो किसी और के साथ गलत संबंध में है और लेकिन मेरे साथ उतना अच्छा से रिलेशनशिप नहीं रखती है और बात नहीं करती है, तो आगे चल के जब हम इनको छोड़ेंगे तो पब्लिक मुझे क्या बोलेगा कि लड़का ही धोखा देता है किन्नर को, जहाँ तक ले आप किन्नर को धोखा देना नहीं चाहते हो? हम देखिए हम किसी को धोखा नहीं देते हैं ना देना चाहते, हम सीधा जानते हैं कि जिसको साथ पकड़े हैं उसका साथ जिंदगी तक निभा दें। हाँ अच्छा आप घर पे कमा के पैसा देते हो? अभी तो कहाँ कमाने दे रही है घर पे पैसा देंगे, 4 साल से कहाँ कमाने दे रही है, कहीं नहीं जाने दे रही है। जब बोलते हैं खर्चा कौन चलाता है? खर्चा क्या चलाती है, वही खाना पीना खिलाती है और क्या करती है, और ज़्यादा गुस्सा करती है तो महीना में 2 महीना पर कभी एक सेट कपड़ा खरीद देती है और कुछ नहीं बस। तो फिर आपका पॉकेट खर्चा कैसे चलता होगा? कोई खैनी गुटखा पान सिगरेट सब नहीं खाते हैं, कुछ नहीं, कोई नशा नहीं करते? कुछ नहीं। अच्छा भाई तो कभी कभी हो गया तो यार दोस्त मिल गया तो कभी कभी हो गया। भाई देखो कहीं पार्टी फंक्शन में गए आपके पास 5,000 रुपये नहीं गएगा तो कहाँ से लीजिएगा? वो हम अपना यार दोस्त अटेंड करते थे, मंगाते थे। अच्छा आप साफ तौर पे क्या कहना चाहते हैं पब्लिक से? हम पब्लिक से यही कहना चाहते हैं भैया देखिए अब ये हम तो जहाँ तक हम भी न्यूज देखते थे सुनते थे कि यहाँ सब किन्नर ही लड़के को धोखा देता है, लड़का ही किन्नर को धोखा देता है, लेकिन यहाँ तो हमको किन्नर ही धोखा दे रहा है, तो इससे थोड़ा संभल कर रहिए आप लोग भी, ठीक है? और खास करके इसके लिए हम एक न्यूज़ देना चाहते हैं कि अगर ये देख रही होगी वीडियो तो संभल जाए अभी से भी, हमें कोई आपत्ति नहीं है इसके, हम इसको शुरू से भी रखे थे, सब जान के भी रखे थे, आज की डेट में बोल रहे हैं, मीडिया के सामने भी बोल रहे हैं कि हम इसको रखेंगे, लेकिन अब पता ना उसके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो सुधार जाएगी तब रखिएगा। मतलब कि सुधार वीडियो देख के सुधार जाएगी, अच्छा से गएगी तो आप इनको रखिएगा, यही ना? क्योंकि हम प्यार किए, कोई चोरी थोड़ो किए हैं कि हम डरेंगे दुनिया से। अच्छा बाहर कमाना जाना चाहते हैं? तो बाहर कल ही जा रहे थे ना बाहर, तो रुक गए, तो बोले कि चलो इंटरव्यू दे देंगे उसके बाद निकल जाएंगे, तो कल हम स्टेशन पर खड़ा थे तो बार बार फोन करके बोल रही थी क्या कर रहे हैं स्टेशन पे, काहे नहीं जा रहे हो, काहे नहीं जा रहे, हम बोले तुम्हारे सर पे खड़ा है क्या, यहाँ पे खड़ा है तो रेलवे स्टेशन है, खड़ा है तुम्हारे पास है या तुम्हारे गली में है या तुम्हारे घर पे है तो कोई दिक्कत हो आपको फोन करो, टॉर्चर करेगी जल्दी जाओ बाहर। हाँ
क्या किसी को बुलाना है उसको? पता नहीं अब किसको बुलाना है कि कहीं जाना है, किसके साथ रहना है, वो तो हमें नहीं पता। कहीं आपके साथ तो खुश नहीं है क्या? अब पता नहीं उसके मन में, तो वो भी तो कहीं आपको पसंद नहीं करते, तो वो भी तो बोल देना चाहिए ना इसको, वो पेनली बोल देना चाहिए। फर्स्ट प्यार आपको कहाँ हुआ उसे? हमें फर्स्ट प्यार फेसबुक पे हुआ था, दिल्ली में थे हम, जॉब कर रहे थे, तो ये फेसबुक पे मेरे को रिक्वेस्ट भेजी तो हम एक्सेप्ट किए, तो वहाँ से हमारा बात विचार शुरू हुआ। तो हम इसको अभी उतना, इसके बारे में हम उतना जानते भी नहीं थे, तो हम इसके नाम का अपने हाथ पे टैटू करा लिए थे। दिखाए तो देखिए तानिया गाज, देखिए टैटू में आपको बता दो, एक तानिया गाज से टैटू बनवाए हैं भैया उनके नाम के। अच्छा आपको फेसबुक से प्यार हुआ है, क्या नाम पड़ेगा आपको? राहुल कुमार वर्मा। देखिए सानिया किनर की रिपोर्ट, पूरा बात जानिए, पूरा सच्चाई सुनिए। राहुल कुमार वर्मा जो फुलवरिया गांव फुलवरिया थाना जिला गोपालगंज के रहने वाले हैं, इनको एक किन्नर से हो जाता है प्यार फेसबुक के माध्यम से, मैसेंजर से नंबर लेना देना होता है और बात को आगे बढ़ता है, प्यार होता है। और अभी सिलसिला 4 साल तक चलती है प्रेम प्रसंग, और जहाँ तक ले देखा गया तो गोपालगंज जिला में किन्नर समाज के लोगों के साथ बहुत अलग अलग तरीके से लड़के शादी विवाह प्यार मोहब्बत ये सब आम बात हो गया है, लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो अब किन्नर इनको धोखा दे रही है, इनसे सही से बात नहीं कर रही है, सही से रिलेशनशिप में नहीं रह रही है और इनको खेद रही है, बाहर भेज रहेगा, बाहर जाओ, खिलौना टाइप, खिलौना टाइप समझ लिए, क्या समझ गए बैठी है? खिलौना जैसे मिट्टी का खिलौना नहीं होता है, जो बच्चा तोड़ देता है तो फिर उसको हम लोग पानी में ऐसे गीला करके फिर उसको रिपेयर करके सही कर देते हैं ना, वैसे हमको खिलौना समझ कर रखती है बस। यहाँ चलो खिलौना है, जब तक इसमें जान है तब तक खेल रहे हैं, उसके बाद बेजान हो जाएगा इसको फेंक देंगे। कितना प्यार करते हैं उससे आप? अब आप ये बताइए, हम उसको बिना देखे उसका नाम का टैटू करा लिए, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए ना कितना करते हैं। देखिए इनके आंखों में आंसू आ चुका है कि वो मेरे साथ छोड़कर किसी और के साथ संबंध बना रही है, हम उसके नाम का टैटू बना लिया अपने हाथ पर, हम इतना प्यार करते हैं और मेरे साथ धोखेबाजी कर गई है। और वीडियो आप कमेंट कीजिएगा जरूर कि बहुत सारे वीडियो आप लोग देखे हैं किन्नर समाज के, और एक वीडियो और देखिए कि किन्नर एक लड़का को छोड़ गई है, लेकिन लड़का किन्नर को नहीं छोड़ रहा है, आज भी ये लड़का बोल रहा है कि तुम सुधर जाओ और सुधर के वापस आ जाओ मेरे पास, अच्छा सगा हो तो मैं तुमको। अच्छा क्या आप उसको बाहर रख के कमा के खिला सकते हो? बिल्कुल ले गए थे ना, अपना बीवी बना के उसको बाहर बना के खिला सकते हो कमा कर? बिल्कुल, तो हमको तैयार है, हम तो आज की डेट में बोलते हैं चलो तुम मेरे साथ रहो, आराम से बनाना खिलाना, हम अपना जॉब करके आएंगे, तुम रूम पर आना, खाना वाना बनाना खिलाना। मैंने आज भी तुम तैयार हो कि बाहर चलो दिल्ली मेरे साथ गाना, तुम खाना बनाना बीबी के साथ गाना, बीबी जैसा गाना? पिछले महीने की बात है, हम ले गए थे दिल्ली, हाँ। 4 दिन 5 दिन जॉब किए, उसके बाद बोल रहे कि मेरा मन नहीं लग रहा है, चलो घर पे। इतना टॉर्चर करने लगी ना, फिर हमको लेके आना पड़ा घर पे। देखिए ये व्यक्ति बहुत मजबूर है, लाचार है, अब मैं आपको बता दूं अब आगे देखिए क्या मोड़ लेता है मीडिया के माध्यम से। मैं तानिया किन्नर के संदेश देना चाहती हूँ कि जो गलती हुआ सो हुआ, उसको भूल कर इनको अपनाइए, इनको दर्द और दुख को समझिए और इधर उधर आप मुंह मत मारिए, बाकी सब किन्नर समाज के बदनामी मत कराइए। सानिया किन्नर की रिपोर्ट। जो लड़का 4 साल से घर पे नहीं बात किया नहीं गया, तो अभी फिलहाल में जाए क्या कर सकता है घर पे जाके, कौन सा चारा लेके जाए घर पे अपना, माँ बाप के सामने क्या खड़ा होगा जाके? बस इससे आगे हम कुछ नहीं कहेंगे। पापा आपका क्या बोलते हैं, मम्मी क्या बोलते हैं? वो लोग कुछ नहीं बोलते, वो सीधा बोलते हैं तुम्हारा मैटर है तुम समझो। अच्छा धमकी भी देती है क्या कि छोड़ दोगे तो घर पे जाएंगे? नहीं ये सब धमकी नहीं है, ये सब नहीं ना बोलती। अच्छा रोने क्यों लगे आप, क्यों रो गए घर के? 4 साल से बात नहीं किए हो घर पे, कस के बोलिए मुँह से, बोलने लायक तो है। देखिए मैं आपको बता दूं, सानिया किन्नर के पास आए हैं राहुल कुमार वर्मा जी, आप देख रहे हैं किस तरह से आंखों से आंसू गिर रहा है कि 3-4 साल से मम्मी पापा से बात नहीं करने देती है तानिया किन्नर, आज हम घर जा रहे हैं तो घर के लोग क्या बोले कि नहीं रखेंगे? घर का लोग कौन सा रीजन से एक्सेप्ट करेगा, न घर पे पैसा दिया न घर पे बात किया, अभी जाएंगे तो क्या बोलेगा, छोड़ दी तब आयो हम आके याद आया तो
यही ना कोई बोलेगा, इसके अलावा क्या बोल सकता है। खैर माया पैदा की है तो छोड़ेगी नहीं ना, इसके आगे बाप बताए किसी को छोड़ता थोड़े है। तब क्या कीजिएगा, मतलब बाहर जाएगा तो कमाइएगा, घर पे पैसा भेजिएगा। बाहर जाने के बाद देखेंगे, काम मिलेगा तो आदमी काम करेगा, ढूंढेंगे काम, ऐसे थोड़ा मिल जाएगा काम। हाँ। काम बाहर जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा तब ना काम मिलेगा। ऐसे तो काम करेगा खाने नहीं, कोई रख लेगा भाई, डाटा सब जमा करना पड़ता है और क्या, एक भाई के तो काम बैठ के खोजना पड़ता है। अभी जाएंगे तो फिलहाल 5 दिन 10 दिन 15 दिन एक महीना भी लग सकता है, काम नहीं मिलेगा, बारिश का टाइम है तब। अच्छा अभी आपको बाहर भेज रहे इस समय, पहले नहीं भेज रहे थे? वो नहीं भेज रही है, उसका हरकत देख करके ना हम तंग आ गए हैं। किस टाइप का हरकत करती है तानिया किन्न? अजीब व्यवहार कर रही है ना, जैसे मैं एग्जांपल एग्जांपल जैसे हो गया कि जैसे मान चलिए कि आप मेरे साथ दिखावा में हो, किसी और के साथ रिलेशन है, किसी और के साथ आप खुश हो, केवल आप दिखावा के लिए मेरे साथ हो कि मैंने आपको दिखावा के लिए पति बनाई है, बस पब्लिक में दिखाऊं कि मेरा तुम पति हो। हाँ। लेकिन आपसे वो खुश नहीं है, किसी और के साथ रिलेशनशिप बना के उससे खुश है। हाँ। अरे कितने साल उसके साथ सेक्स किया? देखिए अभी तो 4 साल है उसके रिलेशनशिप में, तो 4 साल में ये नहीं बता सकते कितना बार हुआ कितना बार नहीं। अच्छा क्या आप उसको खुश नहीं कर सकते तानिया किन्नर को? तो कौन सा खुशी चाहिए, बोलेगी तब ना, बताएगी तब ना मुझसे। अच्छा किसी और लड़के के साथ उनका संबंध है, फोटो वीडियो आप दिखा गए थे? फोटो वीडियो मेरे पास वो लड़का भेजा था, ये नहीं बोली थी। हाँ। इसके लिए देखिए मैं ऑर्केस्ट्रा पार्टी भी खोला, अपने यार दोस्त से कर्जा वर्जा लिया, सब चीज किया, उसके बाद भी सक्सेस नहीं हो पाई कहीं भी। आगे चल के क्या कहेगी? अब आगे चल के देखिए उसका मर्जी, वो हमारे ख्याल से कहीं सक्सेस नहीं होगी। क्या उसके साथ आप दीजिएगा कि छोड़ दीजिएगा? हम तो उसका साथ आजीवन भर देंगे, दे रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, राहुल कुमार बाबा जी का लव स्टोरी एक किन्नर से हो जाता है फेसबुक या प्यार, और फेसबुक से प्यार होने के बाद इतना लंबा चौड़ा कहानी हो चुका है कि आप देखिएगा तंग आ जाएगा। एक मर्द का दर्द भरी आंखों से आंसू आपको सामने दिख रहा है कैमरा फ्रेम में, कि किन्नर से कितना बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और जहां तक ले माँ माँ शब्द जो आता है हर बच्चे को, माँ के याद बहुत आती है, किसी को माँ बाप एक अनमोल चीज है, सब कुछ मिल जाएगा माँ बाप नहीं मिलेगा, लेकिन इस लड़का को माँ बाप से तानिया किन्नर ने 4 साल से अलग रखी, बात विचार नहीं करने दी, जाने नहीं दी, और आज के डेट में इनको धोखा मिलेगा तो इनके मम्मी पापा इसको क्या बोलेगा कि क्या वो छोड़ दी, अब नहीं रखेगी, अब मम्मी पापा की याद आया। देखिए बाय द वे आप लोग किसी से मोहब्बत प्यार कीजिए, हमें नहीं बोलेंगे कि मत कीजिए, कीजिए, लेकिन किसी के माँ बाप से जुदा मत कीजिए, प्रेम मोहब्बत से गई है और हंसी खुशी से गई है, समाज में देखिए किस तरह से रहना है उस तरह से जीना सीखिए। अच्छा लास्ट में जो लड़का किन्नर से मोहब्बत प्यार करता है उसके लिए क्या कहिएगा? भाई हम तो बोलेंगे एक ही बात की, देखो जिसको जिससे प्यार करना है खुल के करे, पूरा दुनिया से और समाज से दिखा के करे, ये दिखावा का प्यार मत करना भाई किसी के साथ। हाँ, क्योंकि वो दिखावा का प्यार जो होता है वो जानलेवा होता है। अच्छा जो किन्नर लोग बोल रही हैं कि लड़के लोग प्यार कर किन्नर को धोखा देता है, उन किन्नरों को क्या कहिएगा? बड़े बड़े किन्नर हैं जो बोले कि आज तक कभी किसी लड़का किसी किन्नर को नहीं हुआ, तो तुम्हारा कैसे हो सकता है, इस पे आपका क्या उद्देश्य है, क्या बोला चाहते हैं? ये देखिए अक्सर लोग ऐसे आदमी होते हैं ना जो दूसरे घर बर्बाद कर देते हैं, अपना घर सजाने के चक्कर में दूसरे घर बर्बाद कर देते हैं। हाँ, वो सोचते हैं कि हाँ चलो इसको घर बर्बाद कर देंगे तो हमारा घर सज जाएगा, लेकिन उसका भी घर नहीं सज पाता है। ठीक है, तो इसलिए भाई हम आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी से आप लोग प्यार कीजिए, किन्नर से कीजिए, लड़की से कीजिए, किसी से कीजिए, तो वो प्यार वैसा कीजिए कि दोनों तरफ से चल जाए, एक तरफा प्यार होगा तो उसका इल्जाम बहुत बुरा होता है भाई। देखिए मैं आपको बता दूं, राहुल कुमार वर्मा जी फुलवाइया के रहने वाले हैं, इनका लव स्टोरी आप सुने हैं, ये बहुत अभी तकलीफ में जी रहे हैं और मीडिया का सहारा लिए, और चलिए वीडियो में आगे चल के जो ऐसा गंभीर रूप लेगी मैं आपको न्यूज दिखाने का कोशिश और प्रयास करूंगी, और जहां तक ले सही है कि गलत है।